हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर आज हम ट्यूटर इंफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे, यानी कि ट्यूटर लेटर जो हमारा होता है, जिन ट्यूटर्स को आपने अपनी वो भेजनी होती है, असाइनमेंट्स भेजनी होती है, उनकी सारी इंफॉर्मेशंस, उनका जो एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हम आज ट्यूटर इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ट्यूटर इन्फॉर्मेशन के नाम से एडमिशन पैनल में एक ऑप्शन आएगा। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की विंडो आप ओपन होगी, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें यूज़र आईडी लिख की होगी और उसके अलावा पासवर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, जिस जो नंबर हमने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त उसमें दिया था, उस नंबर के ऊपर हमें एक मैसेज आएगा, उसमें हमारी यूज़र नेम और यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। तो हमने वही जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो हमने यहाँ पे देखे, इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, साइन इन कर लेना है। तो मैं मैसेज देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा मैसेज आया है और उसमें कौन सी यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, तो मेरी यूज़र आईडी है ये, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैसेज मुझे आ चुका है। ठीक है, तो 21PNL, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PNL और 0 1 5 फिर 1 6, ये मेरी यूज़र आईडी है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है। ओके, तो उसके बाद हमने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। उस न्यू विंडो में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और माय ट्यूटर के नाम का भी एक बटन बना होगा, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो हमारा जो ट्यूटर लेटर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है, इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो हमें मिल जाएंगे जो हमारे कोर्स के मुतल्लिक ही हैं। ठीक है, तो हमने ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो माय ट्यूटर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे पास कुछ देर के बाद यहाँ पे हमारा जो ट्यूटर है वो शो हो जाएगा। तो ये मेरा ट्यूटर है। ठीक है, इसमें 3 कोर्स हैं जिस पर आप भी इसी तरह अपना ट्यूटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं या यहीं से ही आप देख के अपने जो ट्यूटर्स हैं उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर यहाँ से लिख कर अपने असाइनमेंट जो है वो उनको भेज सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।